चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हम बिरार जाग रहे थे तो 10 का नोट दिया रहे थे, अब जिस दिन तक टोल लगा 17 रुपए दे। हम कपड़े तो सन्यासी के हैं इसके, लेकिन कपड़ों के अंदर कुछ और है। सन्यासी लोग जो हो वो राजा का सहायक यानी उसको सलाह मशवरा देने वाला तो बन सके, लेकिन राजा नहीं बन सकता वो। नमस्कार साथियों, सीसीए में आपका स्वागत है। आज हम बड़ौद विधानसभा के गांव बावली में है, जहां पर अखिलेश जी और जैन जी की विजय रथ यात्रा आने वाली है। आप ये पीछे देख सकते हैं, उनके जो समर्थक हैं वो उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे यहाँ के गांव के जो निवासी हैं उन लोगों का क्या कहना है गठबंधन को लेकर। हमारे साथ यहाँ कुछ साथी मौजूद है, हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बड़ौद विधानसभा में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर क्या माहौल बन रहा है और कैसे लोग इस चुनाव को देख रहे हैं। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में? अभी कुछ नहीं कह सकते जी, टक्कर बराबर की है सबकी, लेकिन बागपत की और बड़ौद की सीट को देखा जा रहा है कि आरएलडी का प्रभाव है ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं है जी, सब यही कहते हैं अपने बारे में, कौन ये कहता है मैं हारा हुआ हूँ, हारा अभी ये नहीं कहेगा मैं हार रहा। तो आपको पिछली सरकार का 5 साल का काम कैसा लगा? मैं बहुत अच्छा काम लगा जी, हर तरीके की बढ़िया लगा। क्या आपका क्या नाम? सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, क्या लगता है कैसा कार्यकाल रहा 5 साल? कार्यकाल तो अच्छी आ गई, ये तो कह रहे हैं अच्छा है। और ये इनका सोचना, इनका ये रालोद के हैं, इनका सोचना इनका काम है, हमारा सोचना हमारा काम है। तो आपके हिसाब से क्या किस तरह अच्छा काम नहीं रहा? अच्छा काम ये नहीं रहा, हम दिन भर काम करते हैं, रात को फिर लट लेकर बैठते हैं, एक ड्यूटी और हमारी पड़ेगी, कोई कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, जाएगा चिंता रहेगी, रात को खेत में बिजार खा जाएंगे। गन्ने का पेमेंट है पिछली बार पिछली फरवरी का, यानी कि पिछली साल का फरवरी तक का अब तक पैदा मिला है हमें, 3 महीने का पेमेंट अभी बाकी है। ये कहते हैं कि लोग अब वो हो गया, पेमेंट करा दिया करा दिया करा दिया, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा काम क्या, ये कह रहे हैं बिजली अच्छी हो गई, सड़कें अच्छी हो गई। सड़क अच्छी हो गई जी, टोल दे रहे जी, हम टोल तो ले रहे हमारे पता है, सड़क के उन्होंने अपने घर तक करा दी जी, हमने टोल दे रहे। जाती टोल देगा गाड़ी, अगर 4 पहिया गाड़ी जाएगी 4, 1 मिनट भाई 1 मिनट भाई साहब, जैसे रोडवेज बस जाया करती थी, हम बिरार जाग रहे थे तो 10 का नोट दिया रहे थे, अब जिस दिन तक टोल लगा 17 रुपए दे। हम सरकारी रोडवेज बस में भी 17 रुपए देते हैं, जबकि 10 रुपए लगते थे जब से टोल लगा। रेल में जब यहाँ से जाते थे 5 रुपए बढ़ोत के देते, आज 35 रुपए दे रहे हैं। तो ये महंगाई का असर है क्या आपको? महंगाई, बेरोजगारी, आपको क्या लगता है महंगाई? आप कह रहे थे पहले भी रही है। पहले भी रही, इन्हीं की सरकार थी, 10 रुपए थे बढ़ोत के, जब वो लालू आया था रेल मंत्री बन के, तब उसने कटाए थे 5 रुपए करे थे उसने, जब उसने करे थे 5 रुपए। आज 10 आदमी जा रेल में तो रेल वाला कहां से अपना तेल भूलेगा? रेल तो सरकार है ना, रेल तो बंद कर दी कोरोना चल रहा है। आपको क्या लगता है? गन्ने का पेमेंट है अब लो, हमारा पार साल का नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ पार साल का भी, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं बहुत अच्छा काम रहा है। नहीं 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 है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप कम से कम 200 कुछ करोड़ आज मलकपुर मील पे बाकी है, किसानों का 200 कुछ करोड़ मलकपुर मील पे बाकी है। चुनाव में क्या देख रहे हैं? हम तो खाली आरएलडी देख रहे हैं, और चुनाव में देख रहे हैं, चुनाव में जो किया पूंजीपति को लिया क्या है, ना हम ये कुछ करने वाले नहीं है, न मजदूर का न किसान का, ये कुछ करने वाले नहीं, सिर्फ 98 पूंजीपति है इस गाँव में, इस देश में, और 55.5 करोड़ परिवारों की संपत्ति के पास, 55 करोड़ ये आर जो वो 24 का वो है कल का। बड़ौद विधानसभा से किस तरह का इस बार समर्थन रहेगा आरएलडी को? 80% का, 80% का आरएलडी को समर्थन है। आपको क्या लगता है भाई? हमें तो लगना नहीं भाई, 40-50 होना, हाँ
लड़ाई टक्कर की है, लड़ाई टक्कर की है। मैं बताऊं, ये हमारा पुत्र है, इसके दिमाग में थोड़ी सी कमी है, मायावती ने करा था। मायावती ने करा था, दूसरे नंबर पे सपा ने किया। सपा ने क्या करा था? सपा ने करा। किसान खुश नहीं है जो अभी 25 रुपए बढ़ाए। नहीं, कैसे 5 रुपए हमारे थोड़ा ही बढ़ा दिए। आपको क्या लगता है 25 रुपए जो बढ़ाए वो जायज है नहीं? 25 रुपए बढ़ाए, अरे 100 रुपए मजदूरी बढ़ गई तो हमारे तो नहीं बढ़े। किसान और किसके बढ़े हुए? अरे उसके बढ़े। आप कह रहे 100 रुपए बढ़ गई तो हमारे कहाँ बढ़ गए? क्या नाम बाबा जी आपका? मेरा नाम राधेश्याम। अच्छा जी, क्या लगता है 5 साल में क्या कार्यकाल कैसा रहा? भाई 5 साल में हमारा मुंह छेद दिया उन्होंने, थप्पड़ मार मार और मुंह छेद दिया। तो इस बार चुनाव में क्या देखे? इन्हें गाथ देंगे घेर के, इन्हें घेर के गाथ देंगे तुम्हारे पास। और जो हिंकर को दिख भी गए लठू का दही तोड़ देंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया। हाँ बहुत अच्छा, उनका ख्याल उनसे डाकू है, डाकू के लिए कराया ठीक। डाकू का तो फांसी दे दी, दिन रात बिजली आवे। हाँ, मारा 12 वाला भी नहीं लग रहा नहीं बड़ी। अरे बिजली अपने घर से दे रहे क्या? बिजली का तो 300 रुपए तो ले रहे, घर से दे रहे क्या? अरे पहले तो कुछ भी नहीं था। बिल कितना है? 100 रुपए तो खड़ो का फांसी आ गई, भूखे मरने लग रहे। बताओ किसका हिसाब दूध रहा, किसकी लोंडी पकड़ी गई? लेकिन क्राइम रिपोर्ट में डंडी बताओ कौन मना रहा था? लेकिन क्राइम रेट में सबसे ऊपर आ रहा है यूपी। यू तो वो है, क्राइम तो पहले घना था, अब तो थोड़ा हो रहा। हाँ जी, अब वही तो आंकड़े हैं। देखो ये तो वो है, 2 रुपए का सामान ले 4 रुपए लिखते। यू 98 में ये है तो इस बार आप क्या? हम 98 में ये दौर नहीं है, ये ड्यूटी में नहीं गए। बात सुन, बात सुन, मैं हूँ पक्का हरिजन। नाम बताया राधेश्याम, पक्का हरिजन हूँ। और जो हरिजनों को ये ठीक ढंग से जगह दे देते और हमारा भी सुधार हो जाता, पर जगह नहीं दी इन्होंने हमें। हमें रोज बका दे, ये दो दो दही दाने दे गए, हमारा रोजगार खो दिया, रोजगार खत्म कर दिया। जितने रोजगार थे कहीं रोजगार नहीं रहा हमारा, इन दो दही दाने से हमारा पूरा पट जाएगा। तो कह रहा है उसकी सी सरकार नहीं, लूटने वाली है, लूट लूट खा लग रही। देखो आप चाय एक घूट चाय पियोगे, चाय से लेकर और आप 1000-2000 लाख रुपए का भी जो सामान खरीदेंगे सब पे GST। इस बार क्या देख रहे हैं आप? पूरे इस बार क्लियर दिख रहा है, इस बार क्लियर दिख रहा है, RLD और सपा गठबंधन आएगा। क्या लग रहा है? RLD और गठबंधन सपा यही है। पहली बात सुन, विधान नु कहे संविधान भारत का, आज से नहीं बहुत पहले से। सन्यासी लोग जो हो वो राजा का सहायक यानी उसको सलाह मशवरा देने वाला तो बन सके, लेकिन राजा नहीं बन सकता वो। यहाँ सन्यासी राजा बनने लग रहे तो सन्यासी को तो जिसने दीक्षा ली कि मैं कोई गलत कार्य नहीं करूँगा, गुरु की सबसे पहले दीक्षा ली मैं कोई गलत कार्य नहीं करूँगा, मैं अब इसमें कर्म के बंधन में नहीं बंधूंगा। दूसरा क्या, मैं संसार में सारे सारे संसार की अच्छाई के लिए काम करूँगा और उस परमात्मा को याद करूँगा। आर यू अंडे राजकर्ता हो या इसमें राज है? इसमें यू इतना भेद क्यों है? दीक्षा तो ले रखी इसने की और कर रहा यू की, इसमें राज है क्यों कर रहा? योगी संत है, उनको राजनीति में नहीं आना क्या? कहीं की जरूरत थी उसको? जिसने दीक्षा तो ली इसने, गुरु पता है यही तो दीक्षा ली। इसमें संसार में कोई बुरा कर्म नहीं करने का संन्यास ले लिया मैं, अरे यू राजनीति में आ गया, इसका राजनीति से क्या संबंध है? प्राचीन काल से सन्यासी का काम है जंगलों में रहना, बच्चों को या मतलब समाज को शिक्षा और दीक्षा देना। ये सन्यासी कपड़े सन्यासी के हैं लेकिन कपड़ों के अंदर कुछ और है। भेड़िया बच्चा, कपड़े तो सन्यासी के हैं इसके लेकिन कपड़ों के अंदर कुछ और है, ये सन्यासी नहीं है। तो इस बार बदलाव होगा? बदलाव होगा, पूरा बदलाव होगा। हम उत्तर प्रदेश की बड़ौत के विधानसभा क्षेत्र में थे,
जहाँ पर बावली गांव में लोगों के अलग अलग मत हैं। भारत की खूबसूरती यही है कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है। कुछ लोगों ने बीजेपी सरकार को अच्छा बताया है और यहाँ के किसानों ने विरोध भी किया है कि पिछले 5 सालों में यहाँ की जो सरकारी थी बीजेपी जो सरकार थी उसने कोई काम नहीं किया है और इस बार लोग बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी चर्चा हम लोग करते रहेंगे। चुनावी खबर पाने के लिए जुड़े रहे सीसीए से। धन्यवाद।